सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें किया हुआ है एन की पावर 2/3, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ये पैरेलल में है, पैरेलल में और सॉरी ये तीनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर इनकी कैपेसिटी बराबर है 999 तो V की वैल्यू क्या होगी। अगर कैपेसिटी बराबर है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी तीनों में, तो V की वैल्यू 120/3 यानी कि 40 40 और 40 वोल्ट इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये 2, 3 और 4 पीको फेरेड के कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 2+3+4 इज द आंसर। एक आंसर टोटल कैपेसिटेंस है, चार्ज ऑन ईच कॉम्बिनेशन अगर 100 वोल्ट की सप्लाई है तो यहां पर 100 वोल्ट की सप्लाई है तो इसको भी क्या मिलेगा 100 वोल्ट, इसको भी क्या मिलेगा 100 वोल्ट, इसको भी क्या मिलेगा 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस सबको पता है, चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी, चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू सी वी, चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू सी वी, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में तीन कैपेसिटर्स हैं आर कनेक्टेड फर्स्ट विद फर्स्ट एंड सेकेंड इन सीरीज, तो यानी कि 5 और 4 सीरीज में और नेक्स्ट कैपेसिटर 3 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो ये दोनों सीरीज में लगा लोगे तो क्या आंसर आएगा 5 × 4/5+4 और जो आंसर आएगा वो 3 के साथ किसमें इन पैरेलल में ऐड कर लेना। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, अफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स 3 और 16 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 है और अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 16 है। C1 C2 निकालना है तो आपको C1+C2 पता है 16, यहां पे पुट कर देना C1 × C2 की जो वैल्यू आएगी यहां से सॉल्व करके वो क्या आ जाएगी 16 × 3 = 48। C1 C2 आ गया, C1+C2 आ गया, इन्हें सॉल्व करके C1 और C2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, इसमें सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला, साइमल्टेनियसली सॉल्व, C1 C2 आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है आपके पास तीन कैपेसिटर हैं 9 माइक्रोफेरेड के, आप ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट, कितने कितने 4। जैसे पहला 1, 2 और 3 ये डायग्राम है, दूसरा 1, 2 और 3 ये डायग्राम है, तीनों पैरेलल में, तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, नेक्स्ट डायग्राम 2 सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में और नेक्स्ट 2 पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में, तो कर लेना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है सबकी, क्या निकालनी है। देखो तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए, उसने यही बोला कि कितने तरीके से आप इन्हें कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट तरीके से ताकि आंसर 4 डिफरेंट आंसर आए। तो चेक करो तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, 2 सीरीज में 1 पैरेलल, 2 पैरेलल में 1 सीरीज, तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए। समझ में आ रहा है, और फिर सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है तो ये दोनों कर लोगे 999 सीरीज में पैरेलल में, 99 सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, 99 पैरेलल में इसके साथ 9 सीरीज में। बनाओ कैसा बनेगा, बना के दिखाओ, पता नहीं कैसे, ऐसे ऐसे बनेगा, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर होएगा ही नहीं दोनों सीरीज में से पैरेलल में, बना के दिखाओ डायग्राम, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, 3 है ना मिनिमम है, नहीं बना पाओगे, 4 ही बनेंगे इसमें। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर किसमें इन पैरेलल में, जो आंसर आएगा इन दोनों के साथ इन सीरीज में, सही है। नेक्स्ट बताओ ये तीनों इन सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल में, इनके साथ इन सीरीज में, सीरीज इसके साथ पैरेलल, इनके साथ सीरीज, हो जाएगा सॉल्व।
ठीक। नेक्स्ट शीट नंबर 8 के बाद शीट नंबर 9। शीट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है अपनी हैंड रिटन शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन किया था, एक पैटर्न छोड़ के क्वाड्रेटिक बनी थी लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज वाला किया था, याद है, रोम्बस बनाएंगे C1 C2 C3 C5 वाला, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम किया था हमने, जो हैंड रिटन शीट का पहला क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन के अंदर बस ये बताओ, इसके अंदर ये 6 वोल्ट है, ये 10 है, ये 5 और 5 किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज की पैरेलल, कितने बोलते हैं सीरीज पैरेलल। देखो आप एक काम करो, ये ना एक वायर जा रही है, इसको यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है, वायर का पार्ट ही तो है। अब देखना कितना आसान है, ये दोनों इन पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो वो कोने वाले दो कैपेसिटर पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, ठीक। अच्छा, इसमें चार्ज भी निकालना है, सॉरी इसमें चार्ज भी निकालना है। तो ऐसा करो, इसको ना इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बना लो, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट के साथ ये 10 माइक्रो फेरेड है, ये दोनों अभी आपने मुझे बताया किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल है, तो ये 5 माइक्रो फेरेड है और ये 5 माइक्रो फेरेड है, ऐसे रीड्रॉ कर दिया डायग्राम, रीड्रॉ कर दिया, ठीक। तो इन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, 10 माइक्रो फेरेड, इधर भी 10 माइक्रो फेरेड और ये 6 वोल्ट है, राइट। 10 और 10 किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो क्या आएगा, 5 माइक्रो फेरेड है कनेक्टेड 6 वोल्ट के साथ, तो चार्ज क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम आ गया, मल्टीप्लाई करके क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों का बना हुआ है इन सीरीज, तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो क्यू की वैल्यू सेम है, यहां पे कोई डाउट इसमें, ठीक। तो क्यू की वैल्यू यहां पर तो 30 आ गई, अब ये टोटल चार्ज 30 है, ये किसका बना हुआ है पैरेलल में, कैपेसिटी बराबर है, चार्ज बराबर डिवाइड हो जाएगा 15 और 15, 30 15 15 आंसर है। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें, ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो ये एक बार ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताओ, इसमें क्वेश्चन में होगा नहीं, इसमें ना मिसप्रिंट है, इसमें ना वी नहीं गिवन, आपको वी देना चाहिए था। अच्छा वैसे बता दो, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, रिपीट, ये दोनों सीरीज, इसकी जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर, इसके साथ इन सीरीज और इसके साथ इन पैरेलल, ऐसे होगा, ठीक। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना इसमें, बोलो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, लास्ट टाइम करवाया था, देखते ही बता देना, पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्वेश्चन किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ये भी करवाया था रोम्बस में, दो कैपेसिटर नहीं है, तीनों के तीनों बताया था कि सीधा पैरेलल लगा देना, ठीक। लैडर वाली प्रॉब्लम आज हो गई, तीन कैपेसिटर बनेंगे पैरेलल में, ये कर लिया, ये वाली प्रॉब्लम आज हो गई, दो तीन कैपेसिटर बनेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, नहीं दो बनेंगे सॉरी, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, सॉल्व एग्जांपल था आज का, ठीक है। नेक्स्ट शीट नंबर 9 के बाद शीट नंबर 10, ना ना 10 मुझे 10 अभी कर देंगे खत्म, फिर आएंगे 11th पे। शीट नंबर 10, ठीक है, अब तो हो जाएगी, अब तो आज कितनी सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर तो लिए, ये देखो 10 नंबर शीट में, ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन किया, कैसे किया, इसको मान लो ये V1 है, तो ये पूरी प्लेट V1 है, मान लो ये V2 है, तो पूरी प्लेट V2 है, तो एक काम करते हैं, X V1 पे है, X फर्दर 1 प्लेट एंड फर्दर 3 प्लेट के साथ कनेक्टेड है, 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है, बना लिया। Y जो है, जिसका पोटेंशियल V2 है, ये फर्दर 2 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसमें जो 2 नंबर प्लेट दोनों के साथ कॉमन है, 1 के साथ भी कॉमन है और 3 के साथ भी, देखो 1 और 3 दोनों के साथ कॉमन है,
तो ये दो कैपेसिटर बनेंगे कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए इसका आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी आएगा। तो सोचने का तरीका समझ में आ रहा है? फिर से, एक्स वी वन पे है तो वी वन वी वन, वाई वी टू पे है, वी टू की प्लेट इधर और इधर कॉमन है तो एक्स वन और थ्री पे है, वाई दोनों को कॉमन दे रही है प्लेट टू एंड टू, अभी दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, ठीक। अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, ये वी वन है, ये वी वन है, ये वी वन है और ये वी टू है, ये देखो वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू पैरेलल, दो कैपेसिटर्स पैरेलल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में ये वही क्वेश्चन है जिसके वो छः पार्ट थे, बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, इसके अंदर डिसकनेक्टेड है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, बोलो ये किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल, एरिया डिवाइड हो रहा है तो दो कैपेसिटर पैरेलल में, ये किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज में। ये क्वेश्चन किया हुआ है n की पावर 2 बाय 3 वाला। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया, तो आपको इसका एरिया गिवन है 0.02 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स डी वन भी गिवन है 1 mm। पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड अगर चार्ज 1 नैनोकूलम इसको दिया जाए, तो 1 नैनोकूलम इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया, तो ये बताओ इसके अंदर कैपेसिटेंस तो निकाल ही लेंगे, कितनी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी आ जाएगा। चार्ज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं कितना, क्यू डिवाइडेड बाय सी से एक आंसर आएगा। चार्ज गिवन है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी आएगी, वहां से भी आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन है, अगर मैं स्मॉल डी को, स्मॉल डी की वैल्यू पहले 1 mm है, अगर मैं इंक्रीज टू 2 mm कर दूं, स्मॉल डी को 1 mm की जगह 2 mm कर दूं, तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा? सोचो, अगर मैं डी को 1 की जगह 2 कर दूं, तो डिनोमिनेटर डबल हो गया, कैपेसिटेंस हाफ हो गई, कैपेसिटेंस हाफ हो गई तो पोटेंशियल डबल हो गया, आंसर डबल हो जाएगा। तो फिर से एक बार, डी को 1 mm की जगह 2 mm करेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू डबल हो गई, डबल होने से पूरी कैपेसिटी हाफ हो गई, कैपेसिटी हाफ हो गई, पोटेंशियल डबल हो गया। तो जो भी ए आंसर आया उसका बी आंसर डबल कर देना। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 कैपेसिटर्स हैं, 6 कनेक्टेड इन सीरीज, 6, 6 और 6 एंड ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, फिर से सीरीज, ये 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो मेरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा 2, 4 और 2 ऐसे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। वो क्या कह रहा है? 6, 6, 6 सीरीज में, जो आंसर आएगा वो सीरीज में है, किसके साथ? 2, 4 और 2 के साथ कनेक्टेड इन, ये डायग्राम बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलो C1 C2 किस में कनेक्टेड है? किसी को पैरेलल तो नहीं दिख रहा? दिख जाता है कईयों को, ऐसा लगता है एक के नीचे एक है ना, पैरेलल है, क्यों? एक ही वायर में कनेक्टेड है, तो सीरीज है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों भी किस में कनेक्टेड है? सीरीज में ही कनेक्टेड है, और जो आंसर आएगा वो सी के साथ तीनों के तीनों इन पैरेलल है, तो ये आंसर आ जाएगा। जंक्शन, जैसे ये जंक्शन है, जब तारों तारे मिल रही हैं, एक वायर, हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ वायर्स जंक्शन है। बोलो ये चारों के चारों किस में कनेक्टेड है? इन, गलत, 3 पैरेलल, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट 3 का कराया, 4 का तो कराया ही नहीं, तो ये 3 पहले इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा चौथे के साथ इन सीरीज में, पहले 3 पैरेलल, जो आंसर आएगा चौथे के साथ इन सीरीज में, शॉर्टकट 3 पे चलता है ना, चौथे पे तो ना चलता है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? ये दो कैपेसिटर्स बोलो किस में कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल।
इसके अंदर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर 2.2 2.2 माइक्रोफेरेड के हैं। मान लेते हैं ये जंक्शन का पोटेंशियल, जंक्शन वायर V1 है तो ये भी V1, ये भी V1 हो जाएगा, और मान लो ये जंक्शन V2 तो ये भी V2 और ये भी V2 हो जाएगा, ऐसे है ना कनेक्टेड है। तो V1 माइनस V2 तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी 2.2 प्लस 2.2 4.4। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा? और ये क्वेश्चन लास्ट आपका होमवर्क होगा, वैसे अगर आप कर सकें तो अभी के अभी कर दें, या आखिरी क्वेश्चन के साथ शीट को ख़त्म करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप ये करके आएंगे बड़ी अच्छी बात है, बस मुझे ये बताएं आपको इंडिविजुअल चार्ज बताना है इसमें। तो इसके अंदर ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल है। तो इसमें वैल्यूज कितनी है 10 की, तो ऐसा करें 10 10 एंड 10, और ये भी 10, और ये कितना है 500 वोल्ट की बैटरी है ऐसे। तो 10 माइक्रो फेरेड है और 10 माइक्रो फेरेड है, ये तीनों सीरीज में है। इनकी जगह एक कैपेसिटर कितना लगेगा? 10/3 माइक्रो फेरेड लगेगा, ठीक है। ये 10 माइक्रो फेरेड है, 500 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये भी 500 वोल्ट पे, ये भी 500 वोल्ट, तो चार्ज आ गया, आंसर आ गया। तो क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, मेरे को 1 2 भाई ये क्वेश्चन पहले करवाना है, एक क्वेश्चन करवाना है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी कोई बात नहीं हो जाएंगे। क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक स्लैब है 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक स्लैब हमने इंसर्ट कर दी, ये डी है और थिकनेस 4 mm है, ठीक है, प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर में डाल दी। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब मैंने प्लेट नहीं डाली थी तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी थी? इतनी थी। जब मैंने प्लेट डाल दी तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी होगी? इतनी होगी। प्लेट डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, पर वो ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ना बढ़े, तो मैंने इस डी को डी के अंदर, या डी की वैल्यू, सॉरी 3.2, मैंने इस डी की वैल्यू 3.2 mm से बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, ताकि डिनोमिनेटर बढ़ गया, कैपेसिटेंस घट गई और ओरिजिनल वैल्यू वापस रीगेन कर गई। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ी, डी बढ़ाने से कैपेसिटेंस घटी। सॉल्व करना है इसे, तो आपको के निकालना है, ये और ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 3.2 प्लस डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, डी से डी गया माइनस 3.2 माइनस टी 4 mm गिवन है, mm से mm कैंसिल, 1 माइनस 1 बाई के। सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू सॉल्व करके चेक कर लेना, 5 आ रही है। तो समझ आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? कोई डाउट इसमें? लॉजिक क्लियर है? बाकी क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, नेक्स्ट शीट डिस्कस होगी नेक्स्ट टाइम। ऑब्जेक्टिव शीट्स भी दे दी मैंने आपको, ग्रुप पे डाल दूंगा। क्या करना है नेक्स्ट टाइम का प्लान क्या होगा, ग्रुप पे डाल दूंगा।